This question based on time and distance. Okay. This question came in MAT 2006 and it is a good question. So the question asks, a man takes 6 hours 30 minutes in going by a cycle and coming back by scooter. He would have lost 2 hours 10 minutes by going on cycle and both ways. How long would it take him to go by scooter both ways? पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन टेक्स 6 आवर्स 30 मिनट बाय गोइंग अ साइकिल एंड कमिंग बैक बाय स्कूटर. ठीक, मतलब जैसे कोई आदमी है यहाँ पे उसका ऑफिस है. ओके, वो क्या है, अगर साइकिल से जा रहा है एंड स्कूटर से आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? 6 आवर्स 30 मिनट. ओके, हम पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही वुड हैव लॉस्ट 2 आवर्स 10 मिनट बाय गोइंग ऑन साइकिल बोथ वेज. अब वो जब दोनों तरफ जा रहा है, सेम आदमी, दूसरा केस है ये, केस वन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दिस इज द केस टू. इसमें क्या कह रहा है कि अगर वो आदमी किससे जाए, बोथ वे साइकिल से जाए, जाए भी साइकिल से और आए भी साइकिल से, तो क्या कर रहा है, वो 2 घंटे 10 मिनट अपना लॉस कर रहा है. अपना लॉस कर रहा है मतलब क्या, टाइम ज्यादा या कम? ज्यादा टाइम, ज्यादा कम नहीं, लॉस मतलब ये नहीं कम, ज्यादा टाइम ले रहा है. ही लॉस हिज टाइम. अगर मेरे को कहीं पहुंचना है, मैं 2 घंटे में पहुंचता हूँ ऑटो रिक्शा से, मैं अपनी साइकिल से जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 2 घंटे अपना लॉस करूंगा. दैट मीन्स मैं वहां 3 घंटे में ना पहुंच के 5 घंटे में पहुंचूंगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 आवर्स 30 मिनट ले रहा है तो यहाँ पे वो लॉस कर रहा है. दैट मीन्स 6 आवर्स 30 मिनट प्लस 2 आवर्स 10 मिनट. ओके, नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग अबाउट व्हेन ही गो बाय स्कूटर बोथ वेज. दैट मीन्स द पर्सन गो विद द स्कूटर एंड ऑल्सो कम बैक विद द स्कूटर, देन व्हाट टाइम ही टुक, द क्वेश्चन इज आस्किंग. ओके, टाइम इज आस्किंग हियर, सो वी नीड टू फाइंड दिस वन. बट बिफोर फाइंडिंग दिस वी हैव टू फाइंड कि स्कूटर कितना टाइम ले रहा है, विच वी कम फ्रॉम हेयर. ओके, अब 6 आवर्स 30 मिनट है हमें, देखिए हमें अगर ये टू टाइप्स के यूनिट में दिया हुआ है, एक आवर्स में दिया है, एक मिनट में दिया हुआ है, आवर्स एंड मिनट कभी ऐड नहीं होते. सो क्या होगा, हम इसको पहले एक यूनिट में चेंज कर लेंगे, एंड एक यूनिट में चेंज कर लेंगे तो हम इसको पहले आवर्स में चेंज कर लेते हैं. तो 6 आवर्स 30 मिनट दिया, दैट मीन्स 6 आवर्स 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 30 बाई 60, 1 आवर इज 60 मिनट. सो 30 मिनट्स में क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन 1/60 × 30. ओके, सो 6 आवर्स 30 मिनट मीन 6 आवर 30/60, तो आप इसको जब कर दोगे तो 1/2 आएगा. दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 6 1/2, और ये हो जाएगा जब आप कन्वर्ट करोगे 6 × 2 = 12 × 13 13/2. तो इस चीज को हमने क्या किया, हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया एक यूनिट में 30 मिनट. सिमिलर हम यहाँ पे करेंगे, 6 आवर्स 30 मिनट हमने यहाँ निकाल लिया 13/2 प्लस 2 आवर्स 10 मिनट. फिर से देखिए कैसे करेंगे, 2 आवर्स का 2 10 मिनट मतलब 10/60 आवर्स. ठीक, 1 आवर 60 मिनट, देन 10 मिनट विल बी 1/60 आवर्स. यहां से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 13 13/6, 6 × 13 = 39 + 13. ओके, सो इतना घंटे. तो अगर हम साइकिल से आ रहे हैं और स्कूटर से जा रहे हैं तो हमें इतने घंटे लग रहे हैं, अगर हम दोनों तरफ साइकिल से जा रहे हैं तो हमें इतने घंटे लग रहे हैं. ओके,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें टाइम पता है, एक चीज कॉमन है क्या, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस सब में देखेंगे आप कॉमन है, डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट एंड इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, डी। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। ओके, ये डिस्टेंस सब में कॉमन होगा। ओके, अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, या कहो आप सारे क्वेश्चन जो है इस रिलेशन पे बेस्ड होंगे और इन्हीं इसी इक्वेशन को आपको खेलना है। इस इक्वेशन को आप खेल जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के कर ले जाओगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी क्वेश्चन बेस्ड पे सारे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के। अब स्पीड डिस्टेंस और टाइम में ही आपको खेलना है, कभी डिस्टेंस कॉमन होगा, कभी टाइम कॉमन होगा, कभी स्पीड कुछ प्लस माइनस होगा ना, तो इसी इक्वेशन के साथ आपको खेलना है इन क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अगर आप बात करो, तो यहाँ पे आप बात करोगे तो आप क्या करोगे, लेट मान लेते हैं हम साइकिल की स्पीड क्या ले लेते हैं, मैं लेट कर लेते हैं साइकिल की स्पीड है वी सी, लेट कर लिया। स्कूटर की स्पीड क्या होगी, वी एस। डिस्टेंस फ्रेम है, टाइम हमें पता है, ठीक है, साइकिल की स्पीड वी सी, स्कूटर की स्पीड वी एस। ओके, अब देखो आप डिस्टेंस सेम है तो यहां पे टाइम हमें पता है, टाइम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम की क्या आ जाएगी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, नाउ हमें टाइम पता है, आने जाने की हमें निकालना है, टोटल टाइम है ये, क्या है टोटल टाइम, तो जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा जाने में, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज डी एंड स्पीड इज वी सी, गॉट इट, प्लस स्कूटर की स्पीड, डिस्टेंस इज डी एंड स्पीड इज वी एस, दिस विल बी इक्वल्स टू 13/2। ओके, ये स्पीड है हमारा साइकिल की जाने में और ये स्पीड है आपका स्कूटर की आने में। ये क्वेश्चन साइकिल की स्पीड है, डिस्टेंस सेम है डी, स्पीड क्या होगी साइकिल की वी सी, डिस्टेंस की डिस्टेंस विल बी सेम, आने की भी डिस्टेंस सेम, साइकिल की स्पीड वी सी 52/6। ओके, यहां से डी बाई वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52/6, तो यहां से आप डी बाई वी सी की स्पीड निकाल सकते हो, 2 2 या 4, 2 6 या 12/6, 2 2 2 2 3 6 2 3 6, सो डी बाई वी सी इज 13/3, गॉट इट। हमने डी बाई वी सी, दैट मीन्स वॉट इज डी बाई वी सी, टाइम टेकन बाय द साइकिल, डी बाई वी सी क्या है, कुछ नहीं है, टाइम टेकन बाय साइकिल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम टेकन बाय साइकिल टू गो, ओके ओनली टू गो, दिस इज नॉट टाइम टू गो एंड कम, ये सिर्फ हमारा समय है कि वो यहां से यहां जा रहा है, आने में भी वो बसरते उतना ही टाइम लेगा, ठीक है, तो ये हमारा इतना टाइम क्या है जाने में। अब 13 डी बाई वी सी की वैल्यू 13/3 हमें पता है और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे आके पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और यहाँ से हम ये इक्वेशन निकाल लेंगे, डी बाई वी सी की वैल्यू क्या है, 13/3 प्लस डी बाई वी एस विल बी इक्वल्स टू 13/2, यहाँ से हम डी बाई वी एस की वैल्यू निकाल लेंगे 13/2 माइनस 13/3, वॉट 3 2 6, 2 3 6, 13 3 39 माइनस 3 2 6 एंड 13 2 26 विच इक्वल्स टू 3 1 13/6। सो व्हाट इज टाइम टेकन बाय स्कूटर टू कम आइदर और गो, ओके इज 13/6। ओके, यहां से हमारा टाइम ऑफ स्कूटर आ गया डी बाई वी एस की वैल्यू और जो हमारे यहां पे टाइम हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था टाइम, सो टाइम क्या है आपका 13/6। अब टाइम जाने में और आने में सेम लगेगा, टाइम हमारा जाने और आने में सेम लगेगा, दैट मीन्स टाइम हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम टेकन बाई स्कूटर विल बी इक्वल्स टू 2 times ऑफ क्या, डी बाई वी एस, डी बाई वी एस इज दिस जाने में और आने में, सो 2 times डी बाई वी एस इज क्या है,
13 बाई 6, 2, 3 या 6, दैट मीन्स 13 बाई 3। और अब हमें इसे मिनट में अगर लिखना हो, दिस इज आर, ओके, अब अगर हमें इसको मिनट में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 को 3 से डिवाइड करिए आप, 3 4 12, दैट मीन्स 4 आवर्स। इसको आप पहले ऐसे लिखिए, 4 3 बाई 4, ये 2 2, 4 1 बाई 3, ठीक है, दिस आवर्स। और इसको जब अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 आवर्स एंड 20 मिनट्स, सो 4 आवर्स एंड 20 मिनट विल बी आंसर, ओके।